नागपुर शहर अब अपराधियों का शहर बनता जा रहा है। मुंबई के एक पूर्व नगर सेवक की हत्या के बाद अब नागपुर शहर में भी गोलियां गूंजने लगी। शहर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले राजनगर परिसर में एक फोटोग्राफर की उसी के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से क्राइम का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में शहर में लगातार हत्या घटना सामने आ रही है। अब तो शहर में गोलियों की गूंज भी सुनाई दे रही है। दिन दहाड़े आरोपी घर में घुसकर अपने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। शहर के सदर पुलिस थाना क्षेत्र के राजनगर परिसर में शनिवार की दोपहर को एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें फोटोग्राफर विनय पुनेकर की उसी के घर में हत्या कर दी गई, जिसे अब शहर में खौफ का माहौल निर्माण हुआ है। विनय एक फोटोग्राफर था, उसी की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर पुलिस थाना की टीम और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर करीब 12:40 पर एक व्यक्ति उनके घर में घुसा और उसने बंदूक से गोली मारकर विनय की हत्या कर दी। आशंका ये लगाई जा रही है कि आरोपी ने गन में साइलेंसर लगाया होगा, इसी के कारण परिसर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिली। घटना के समय विनय घर में अकेला मौजूद था। गोली मारकर हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ है। विनय की हत्या की वजह का पता लगाने में पुलिस जुटी है। शहर के डीसीपी राहुल मदने ने बताया है कि हम जल्द ही सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। मृतक के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे की वजह भी पुलिस तलाश कर रही है। विनय उर्फ बबलू पुनेकर, 12:30 एक अननोन व्यक्ति ने फायर करून हत्या करण्यात आलेली आहे। त्याच्या अनुषंगाने आम्ही प्राथमिक आम्हाला जी इन्फॉर्मेशन जे फुटेज आम्हाला त्या ठिकाणी प्राप्त झालेला आहे, तर त्या व्यक्तीचा आम्ही शोध घेत आहोत आणि हा गुन्हा लवकरच आम्ही डिटेक्ट करू। सध्या आतापर्यंत आम्ही जे काही प्राथमिक आम्हाला आहे, काही फुटेज मिळालेत, काही फोटो मिळालेत, त्याच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे आणि पुढे त्याचं निश्चितच आम्ही कारण मिळेल की का कोणत्या कारणाने हा घटना घडलेली आहे। त्याच्या अनुषंगानेच आम्हाला काही फोटोग्राफ्स मिळालेले आहेत आणि आम्ही जे सीडीआर जे मृतकाचा मोबाईल पण आम्हाला मिळालेला आहे, त्याच्या अनुषंगाने सकाळपासून कोणी कॉल केलेले, कोण आलेले, कोण भेटाय येणार होते, त्यांच्या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे। प्राथमिक माहिती तशीच आहे की एकटे राहत होते, आणखीन इतर आम्ही संबंधित नातेवाईकांची आणखीन चौकशी केलेली नाही, आणखीन आतापर्यंत माहित नाही, त्याच्याबद्दल सांगता नाही येणार, पण प्राथमिक जर दिसते की गोळी गळ्यावरती मारलेली आहे आणि त्याच्या सकाळची खाली केस पण त्या ठिकाणी स्पॉटला मिळालेली आहे। सर, आम्ही तोपर्यंत पोहोचलो नाही। प्राथमिक जी माहिती आहे की आम्हाला प्राथमिक हे की आरोपी डिटेक्ट होणं महत्वाचं आहे, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही तपास पथक तयार केलेलं आहे। एक राऊंड दिसतोय प्राथमिक फायर झालेला। शहर की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और इसकी वजह है कि नागपुर शहर में बीते 24 दिनों में 13 लोगों की हत्याएं हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।